क्या पिकनिक है मिसेस लाल के साथ भी मैं ऐसे कई पिकनिक एंजॉय किया हूँ। पार्टी पिकनिक बहुत मजा आती है और अच्छी भारी भारी होती है ना उनकी पार्टी। ये भी अच्छी पिकनिक जगह है, बहुत अच्छा है। देखिए ना मौसम कितना खूबसूरत है, लड़कियाँ भी बहुत खूबसूरत है और उनके पार्टी में हमेशा ना ताश खेलते हैं। ताश लिया है। हम भी खेल लेंगे। हाँ जरूर जरूर। हाँ बेटा, इफ यू डोंट माइंड मैं वहाँ जाकर कुछ काम कर लूँ। कहाँ जाना चाहती हो बेटे? वहाँ इधर किधर ही जाके बैठ जाऊंगी। तुम यहाँ पिकनिक करने आई हो या फूल पत्ती देखने? जाने दीजिए ना आंटी, ये शौक बहुत अच्छा है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। क्या मतलब, क्या मतलब भैया मोहन? आजकल बहुत मुहावरों में बात कर रहे हो, खुलकर बताओ। अंकल, औरतों को ऐसे शौक रहे तो वो घर के बाहर कम जाती हैं और मुफ्त में घर सज जाता है। अच्छा। हाथ काम में लगे रहें तो दिमाग में खुराफात कम आती है। आराम से बैठो भाई, बैठो। हम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मौसम के बारे में या तो फूल पत्तों के रंग के बारे में? बोलने की इच्छा ना भी हो तो भी कभी कभी कुछ बोलना पड़ता ही है। आप मेरी बात कर रही हैं या अपनी? दोनों की ही समझिए, हम दोनों ही रूखे स्वभाव के कम बोलने वाले लोग हैं। बोलते तो तभी हैं जब हमें कुछ ऐसा कहना होता है जिससे दूसरों को अचंभे में डाल दे, है ना? मैं तो आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता। हाँ, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं वो तो आप ही जानती हैं। वैसे मैं आपसे कहने जा रहा था, आप कपूर आंटी के यहाँ फिल्म देखने कब आ रही हैं? फिलहाल कोई इरादा तो नहीं है, पर उस दिन आप आए और जल्दी लौट गए, वहाँ एक बड़े फ्रेंडली और दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हुई थी।
हाँ, आप शायद विनोद की बात कर रही हैं। उसके लिए तो दोस्ती करना आसान है, पर निभाना? आपकी दोस्ती ना निभा पाना उसे बहुत महंगा पड़ा। हम कुछ और बात करें। आप आजकल क्या पढ़ रही हैं? आजकल मैं पढ़ नहीं रही, मैं लिख रही हूँ। वैसे तो मेरा ख्याल है किताबों के बारे में आपकी और मेरी पसंद कुछ अलग ही होगी। तो क्या हुआ, हम अपनी राय तो दे सकते हैं। जाने भी दीजिए ना, इस वक्त यहाँ बैठकर मैं किताबों के बारे में सोच ही नहीं सकती। फिर क्या सोच रही हैं? एक बात पूछूं, उस दिन आप कह रहे थे कि आप लोगों की गलतियों को माफ नहीं कर सकते। एक बार जो आपकी निगाहों में से गिर जाए उसके बारे में आप अपनी राय नहीं बदलते? हाँ, कहा था। जो लोग दूसरों के दोष को माफ नहीं कर सकते उनके लिए बात की तह तक पहुंचना जरूरी होता है। आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपको समझने के लिए। और समझ पाई? कोई खास नहीं, आपके बारे में इतना अलग अलग। तो जाने दीजिए, आपको शायद अच्छी राय बनाने में कठिनाई महसूस हो रही है। मैं आपको और उलझन में नहीं डालना चाहूंगा। शरीर उल्टी टोपी क्यों पहना दिया? अच्छा आंटी, चलिए उठा लीजिए। मैंने तो उठा लिए। एक बात बता देती हूँ, ताश में मालती के सामने कोई नहीं टिकता। सारा माल हार जाओगे तो रोना मत। बस बस, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मिसेस लाल तो कहती है कि मुझ जैसा हारने वाला उन्होंने कहीं नहीं देखा। 10-20 हारने पर भी मेरे माथे पे कोई शिकन नहीं पड़ती। 200-400 हार जाए तब वो नौबत नहीं आती, हम उससे पहले ही उठ जाते हैं। क्या करें भाई। आंटी जी हो जाए दो बताइए। अरे रूपा, देख तो रेखा कहाँ गई, अकेली मत जाना। हाँ, मैं जाता हूँ। रवि को साथ ले जा। रवि को संभाल ले जाना बेटे, वहाँ जंगल है। जंगल है, चलो तुम अपनी ताश देखो। चलो। अच्छा आंटी, हम लोग आते हैं। अच्छा बेटे, संभाल के जाना बेटे। हाँ, तुम आंटी आप तो कह रही थी कैप्टन विनोद को भी बुलाया है, अब तक नहीं आए वो। उसने कहा था जरूर आऊंगा, पर सुबह उसका फोन आ गया, किसी जरूरी काम से उसको बाहर जाना पड़ गया। हाँ चलो चलो, अपने ताश देखो। चलो। हाँ चलो। बताइए आप शौकी जी है ना? नहीं भी, अपन तो पैक है ना। मैं भी डाउन डाउन। अरे आप आइए। रेखा जी, सुना है कैप्टन विनोद ने आपको बहुत इम्प्रेस कर दिया है। क्या मतलब? रूपा बता रही थी कि उसकी एक तरफा दुबभरी कहानी सुन के आपका दिल बुरी तरह से पसीज गया है। लेकिन एक बात बता देना चाहती हूँ कि विनोद के पिता सर मेहता के मुंशी थे। बस इतना ही? जहाँ तक उसके साथ राहुल की बेइंसाफी और जातियों का सवाल है, ये सब झूठ और मनगढ़ंत बातें हैं। सचमुच? उल्टा विनोद ने मेहता परिवार के लोगों पे जो लांछन लगाए हैं, उनकी जो बदनामी की है, उसे देखते हुए राहुल ने उस मक्कर को सस्ता छोड़ दिया है। आप तो बहुत जानती हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि राहुल और सर मेहता के सैकड़ों एहसानों के बदले में उसने जो कीचड़ उछालने की कोशिश की है ना, उसे माफ नहीं किया जा सकता। खैर, एक मुंशी खानदान के बेटे से और उम्मीद भी क्या हो सकती है? मुंशी खानदान का बेटा होना आपकी निगाहों में गुनाह हो सकता है लीना जी, मेरे में नहीं। मैं तो सिर्फ सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी। मोहन, तुम 20 रुपए तो हार गए होगे? नहीं जी, सिर्फ 16 रुपए 50 पैसे। हिसाब किताब में बहुत होशियार हूँ मैं, आसानी से मैदान नहीं छोड़ने वाला। छोड़ना पड़ेगा माय डियर। मेरी रमी तो हो गई। अरे बन गई, माय गॉड, मुझे गिनना होगा। देखिए तुम्हारा क्या हाल है। किस्मत तुम्हारे साथ है तो बेचारा मोहन क्या करे, यहाँ भी हालत बुरी है। वैसे भी इनकी सूरत देखकर मेरा मूड बिगड़ जाता है। किसकी?
वो जो सामने चले आ रहे हैं जैसे कहीं के महाराजा हो। वैसे किसी महाराजा से कम थोड़े ही है। रेखा दीदी कह रही थी कि वो आपके मिसेज लाल के कोई हैं। क्या? उन्हें कैप्टन विनोद ने बताया था। बताया होगा, चल तू ताश भाई। आप लोग खेलते रहिए, मैं इंसाफ से अभी मिलकर आता हूँ, उन्हें बता देता हूँ कि मिसेस लाल मुझे कितना पसंद करती हैं। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, जिंदगी में तरक्की का एक ही राज है, अपने गुणों पे रोशनी डालें, और वो भी उस अंदाज से कि देखने वाली की आंखें चकाचौंध हो जाएं। ओहो राहुल साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रवि, आप रवि हैं? हाँ राहुल साहब, राहुल साहब, वही तो कह रहा था मैं कि राहुल साहब कैसे हैं आप? आप तो एकदम राजकुमार लगते हैं। मैं राजमोहन, राजमोहन। मिसेस लाल के और मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, एकदम घरेलू संबंध हैं। मालती, मेरी लड़कियों के लिए जो तुम कर रही हो मेरी सगी बहन भी नहीं कर सकती थी। रवि को रूपा कितनी पसंद है ये तो तुम देख ही रही हो। अब रेखा का और हो जाता तो मेरी फिक्र दूर हो जाती। फिक्र क्यों करती हो? मेरी कोशिश तो यही है राहुल रेखा की बात भी बन जाए। वैसे इसका नखरा बर्दाश्त करने वाली हमारी रेखा नहीं है। मम्मी धीरे बोलो, कोई सुन रहा है? क्यों धीरे बोलूं? हमें किसी से डर है? हम किसी की धौंस बर्दाश्त नहीं करते। हाँ से मालती, मोहन भी अच्छा लड़का है, रुपयों पैसों से, नौकरी से, बातों से। मुझे तो रेखा के लिए हर तरह से ठीक लगता है, क्या ख्याल है? अरे देखें क्या लिखा है। लिखती कैसे, एक के बाद एक नमूने चले आ रहे हैं या मेरी मदद के लिए। वैसे तो बड़ी खुश नजर आ रही है। सो तो है। अरे रेखा, मैंने रवि से विनोद के बारे में पूछा था, उसे कुछ खास मालूम नहीं, पर अपने दोस्त राहुल की नियत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। विनोद के बारे में रवि को राहुल ने ही बताया होगा ना? हाँ, पर रवि कहते हैं कि राहुल ने सच ही कहा होगा। हम अपनी भावनाओं के आधार पर ही अपनी राय बनाते हैं ना? मुझे रवि की भावनाओं। आइए। आप दोनों को प्राइवेट बातें करनी थी तो अपने घर पर ही कर लेती। हम आपकी ही बातें कर रहे थे। अच्छा, बुराई तो नहीं कर रही थी ना? कम से कम आपकी तो नहीं। ये सच बोल रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम आपकी बहन को थोड़ा घुमा लाए। जरूर जाइए, मुझे तो एकांत में लिखने का शौक है। Everybody's waiting for food. They're hungry. Come on. जी, अगर आप इजाजत दें तो रेखा जी से एकांत में कुछ बातें करना चाहता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रीता, चल मेरे साथ अंदर चल। एकांत में क्यों? आप जो कुछ मुझसे कहना चाहते हैं मम्मी के सामने कह सकते हो। बेटी तुम लोग हम उम्र हो, तुम लोगों के बीच में मैं क्या करूंगी। हा? रीता तुम्हें सुना ही नहीं पड़ता, उठ कह रही हूँ ना, एक दफा में कोई बात नहीं सुनती। चल मम्मी रुको, मैं भी आ रही हूँ। रेखा जी बैठिए ना, बैठिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। रेखा जी, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी कितनी शर्मीली हैं, ये देखकर मेरी अंतरात्मा गदगद हो उठी। मैंने अपने दिल की बात आंटी जी को साफ साफ बता दी है। वैसे मेरे मन की बात मेरी आंखों ने, मेरी बातों ने तुम्हें समझा दी होगी। इस घर में घुसते ही मैंने आपको अपना जीवन साथी चुन लिया है।
इससे पहले कि मैं दिल की बातों पर जाऊं, दिमाग ने यहां आने और आपसे शादी करने की बात क्यों सोची, इस पर रोशनी डालना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह कि भगवान की दया से मेरे पास इतना कुछ है कि मैं शादी का बोझ आसानी से उठा सकता हूं। रही दूसरी बात, रेखा जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे जरूर सुखी बना सकेगी। और तीसरी बात, श्रीमती लाल ने मुझे कई बार समझाया कि मैं तुरंत एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जो सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि उनके भी काम आ सके। मतलब ये कि लड़की कम खर्च बारानसी हो ताकि पैसों की बर्बादी ना कर सके, पढ़ी लिखी होने के बावजूद घर के कामकाज में बहुत होशियार हो, जरूरत पड़ने पर श्रीमती लाल और उनकी बेटी के साथ उठ बैठ सके, उनका दिल बहला सके। आप उन्हें देखोगी तो खुद इंप्रेस हुए बना नहीं रह पाओगी। अब आप पूछें कि वहां लड़कियों की कमी थी जो मैं इतने दूर आकर अपना जीवन साथी ढूंढने आया हूं। रेखा जी, उसका कारण है ये घर। तुम तो जानती हो अंकल जी के बाद यह घर मुझे मिलने वाला है। यदि उनकी एक लड़की इस घर की मालकिन बनी रहे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। रही दहेज की बात, अंकल जी की आर्थिक परिस्थिति मुझसे छुपी नहीं है। इस हालात में दहेज का प्रश्न उठाना उचित ही नहीं बल्कि व्यर्थ है। रेखा जी, आप विश्वास रखिए, शादी के बाद दहेज के बारे में मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगा। कब? एक मिनट रुकिए मोहन जी, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मुझे मालूम है, दिल में हां होते हुए भी ऐसे मौके पर लड़कियां ना कर देती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं मोहन जी, यकीन मानो आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं जानती हूं मैं आपको सुखी नहीं रख सकती और ना आप मुझे। अगर आपकी श्रीमती लालिया होती ना तो वो भी यही कहती कि मैं आपके योग्य नहीं हूं। आपको लगता है वो ऐसा कहती? खैर जाने दीजिए, मैं वहां जाकर आपके कम खर्चीले और शर्मीले स्वभाव की बेहद तारीफ करूंगा। आप मेरी झूठी तारीफ ना कीजिए मोहन जी, मैं अपने आप को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मुझसे शादी करके ना आप सुखी रह पाएंगे और ना रईस बन पाएंगे। हाँ, जहां तक इस मकान का सवाल है, आप बिना किसी आत्मग्लानि के इस पर अपना हक जमा सकते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। रेखा जी, मुझे पूर्ण विश्वास है अगली बारी जब आपसे इस विषय में बात करूंगा तो आपकी ये ना हाँ में जरूर बदल जाएगी। क्रिया चरित्र का तकाजा है, वो किसी भी बात में इतनी आसानी से हाँ नहीं करती। मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरी ना तहे दिल से ना है। तहे दिल से ना है? रेखा जी, आप मुझे शब्दों में उलझाना चाहती हैं। मैं जानता हूं कोई भी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की मेरा हाथ थामने से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ओहदा, मेरा घर, राजघराने से मेरे संबंध, अगर कोई चाहे भी तो भूल नहीं सकता। फिर मैं कैसे यकीन करूं कि ये सब कुछ देखकर भी आप सचमुच ना कर रही हैं? मैं समझ गया, ये ना मेरे प्यार का इंतजार बढ़ाने के लिए है। नहीं नहीं, विश्वास कीजिए, नाटक नहीं सच्चाई है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, अपने दिल की बात मैंने साफ साफ शब्दों में कह दी, आपको यकीन क्यों नहीं होता? देखिए रेखा जी, शांत हो जाइए। मुझे विश्वास है जब अंकल जी और आंटी जी इस बारे में आपको समझाएंगे तो आप इस रिश्ते के लिए कभी ना नहीं कर पाओगी। आखिर इतने फायदे का सौदा कौन ठुकरा सकता है? क्या उसने साफ इनकार कर दिया? बिल्कुल, मुझसे जितना हो सकता था मैंने समझाने की बहुत कोशिश की पर व्यर्थ। निराश होने की जरूरत नहीं है मोहन, मैं खुद उसे समझाऊंगी। उस जिद्दी और बेवकूफ लड़की को अपना भला बुरा कुछ समझ में नहीं आता।
अगर वो इतनी जिद्दी और बेवकूफ लड़की है जो मुझसे शादी करने के लिए साफ इनकार कर रही है, तो शादी के बाद मुझे क्या सुख देगी? अफो, मेरा मतलब ये नहीं था मोहन। वो जिद्दी जरूर है, पर बात एक बार समझ में आ जाए ना तो फिर शिकायत का मौका नहीं देती। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके पापा से अभी जाकर बात करती हूँ। मुझे यकीन है वो उनका कहना कभी नहीं टाल सकती। तुम ठहरो। अजी सुनते हो? कहाँ हो? अजी सुन रहे हो लाडली की बातें? पता है उसने क्या किया? मोहन ने उससे शादी की बात कर दी तो इसने फटाक से ना कर दी। नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, जैसे कहीं की राजकुमारी हो। उसे बुलाकर समझाओ, वरना लड़का हाथ से निकल जाएगा तो फिर पछताते रहना। आप जरा बाप को खोलकर समझाएंगी? ओफो, समझा तो रही हूँ। रेखा ने मोहन से शादी करने से साफ इनकार कर दिया, और अब तो मोहन ने भी कहना शुरू कर दिया है कि नहीं करती तो ना सही। तो समस्या काफी गंभीर है। इस बारे में आप मुझसे क्या चाहती हैं? रेखा को इसी वक्त बुला करके डांट लगाओ और उसे कहो तुम्हें मोहन से शादी करनी ही होगी। हाँ नहीं तो। बहुत अच्छी बात। रेखा, रेखा, रेखा। हाँ बेटे, तुम्हारी मम्मी का कहना है कि मोहन ने तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रखा है, ये सच है? जी। और तुमने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, ये भी सच है? जी। हाँ, तो मुद्दा यह है कि तुम्हारी मम्मी का कहना है कि तुम्हें मोहन से शादी करनी पड़ेगी। क्यों जी, ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इससे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। हाँ रेखा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई बेटा। अगर तुमने मोहन से शादी नहीं की तो तुम्हारी मम्मी तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करेंगी, और अगर की तो मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। हाँ।